हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाँव वाली सीरीज कंप्लीट करके हो गई आज, तो इसलिए व्लॉग चालू किया गाँव से आया। और आज वेनसडे एक लास्ट एपिसोड आएगा, इसके बाद ये संडे को तो आ जाएगा। एक व्लॉग चालू कर रहे हैं और कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई तू फ्लूट बजाता है तो फ्लूट कहाँ से खरीदता है या कहाँ से सीखता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय द फ्लूट, गो टू mygurukul.com, purchase the flute. The flute is amazing, so tuned. And if you want to learn the flute, तो माई गुरुकुल करके एक ऐप है प्ले स्टोर पर, अच्छी खासी रेटिंग है, 4.5 प्लस रेटिंग है। तो जाके पंडित विवेक सोनार जी, हमारे जो गुरु जी हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। ऐप लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और ऐसे आपको लग रहा हो कि सच धच के कहाँ जा रहा है, एक काम है टाउन में, आपको भी लेके चलते टाउन में जाना है। और यार माय गुरु के फ्लूट एक नंबर होते। और आपको डेली व्लॉगिंग देखना पसंद है तो भाई आई एम नॉट दैट डेली व्लॉगर। अगर आप आए हो किसी इंफॉर्मेशन के लिए तो यू आर इन द राइट प्लेस ऑन द राइट यूट्यूब चैनल। एंड वी आर ग्रोइंग लिटरली। गाँव वाली सीरीज तो बूस्ट अप करी हमारे सब्सक्राइबर। ऐसे भी मैं सब्सक्राइबर्स पे इतना ध्यान नहीं देता, मगर जब वो बढ़ते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और बाकी सब बढ़िया है। डेली व्लॉगिंग इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट द थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू डू माई इंजीनियरिंग, आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट, आई वॉन्ट टू रियाज, मतलब मेरे को रियाज करना रहता है। अगर मैं इंजीनियरिंग को अपने दिन के 2 घंटे देता हूँ ना, तो इसको मुझे 4 घंटा देना पड़ता है। इट्स डिफ़िकल्ट, मतलब आपको अगर ये म्यूज़िक में करियर करना है तो आपको दिन के कम से कम 10 घंटे उसे देने पड़ेंगे ऐसा। और मैं ये अराउंड 4 to 5 years से सीख रहा हूँ, इसके लिए मुझे पता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द करियर इन म्यूज़िक, इट्स ऑसम। और ये YouTube को एक साइड में भी नहीं रख सकता है। अभी YouTube चालू किया है तो थोड़ा साइड बाय साइड, वो भी मतलब ये YouTube ऐसे ही चालू किया था, ऐसे मतलब ऐसे आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, तो हो रहा है इंटरेक्शन, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बट द थिंग इज़ दैट आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई ऑल इमोशंस विद दिस। और इंजीनियरिंग को तो ऐसे हवा में नहीं ले सकते, पता है इंडिया में इंजीनियरिंग का क्या मार्केट चालू है। और वी हैव टू ग्रो इन दिस, एक्स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसके बाद MBA भी करो, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिलेंगे। ऐसे मेरे सर ने, हमारे जो सर है मतलब मेरे क्लास के सर, उन्होंने रिकमेंडेड किया है। तो उनके उनका भी बहुत वास्ट फील्ड इंजीनियरिंग का। अबाउट द व्लॉगिंग, व्लॉगिंग इज द कम्युनिटी वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर थाट विद द अदर पीपल्स दैट यू डोंट नो, but you know them when you interact with them. So vlogging community is boost up in India. और हम छोटे से प्यादे हैं सिर्फ vlogging community के, बाकी कुछ नहीं। गेट से बाहर निकलते ही क्या ही नज़ारे है। वी आर हियर एट ग्रीन वर्ल्ड। और वो जो काम चल रहा दिख रहा है वो चल रहा है दीघा स्टेशन का। और बारिश के एक ही बात मुझे अच्छी लगती है, ऑल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऑल ओवर ग्रीन। चलो बस भी आ गए, काफ़ी टाइम बाद बस में ट्रैवल करने वाला। तो आप सोच रहे होगे बंदे ने तो बस की बात की थी, रिक्शा में कैसे। लंबी स्टोरी घर जाके बताता हूँ। तो वी आर राइट हियर इन टाउन राइट नाउ, जो काम है वो तो करना ही है, कुछ देखेंगे क्या प्लान बनते हैं आगे का। जो काम करना था वो तो हो गया, चलते टाउन में। बड़े दिनों बाद टाउन में आए हैं। व्लॉगिंग कम्युनिटी की बात कर रहा था, व्लॉगिंग कम्युनिटी इतनी घुस हो गई, अभी रोड पर चलते लोगों को ही बताएगी बंदा क्या कर रहा है। मैंने सिटी में आए और गजानन वड़ा वो नहीं खाया तो क्या खाया। एक स्पेशल ऑथेंटिक वे में लीफ के ऊपर पिपला और वड़ा पाव। चलो नाश्ता तो हो गया, अभी आए स्टूडियो में, मास्क नहीं पहना है क्योंकि अंदर जाना है। इसके लिए तो शॉपिंग हो गया, अभी बिलिंग के लिए, इधर भी बड़ी लंबी लाइन। बिलिंग हो गया और ले लिया थोड़ा, मैं स्टोर बनाया है स्टूडियो। अंदर इतना कैमरा अलाउड नहीं था इसके लिए इतना ब्लॉग नहीं कर पाया, मगर कोई भी स्टूडियो से देख रहा है कॉपीराइट क्लेम मत लगाना भाई। चल दिया फिर से भाई रहा पर, मगर इधर इधर तो
तो हियर वी एट अमेजिंग प्लेस कॉल तालाब पाली और नीचे भारी मस्त बनाया है। आई एम थिंकिंग आई एम स्टॉल आई एम वॉकिंग ऑन वाटर। अभी बारिश नहीं गिरी है तो बारिश गिर दी ना फिर इधर तक पानी आ जाता है। तो इधर ऐसी बहुत गर्दी रहती है इस एरिया में स्पेशली इस एरिया में, मगर आज नहीं है क्यों नहीं पता नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड और नॉट आई डोंट नो बट यार व्यू अमेजिंग है वाइब मेरी है वाइब। टाउन में आता तो इधर ज़रूर आते इट्स लाइक पवई लेक इन मुंबई बट इट्स नॉट पवई लेक इट्स तलाव पाली। परिक्रमा की जा रही है तलाव पाली की। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उसके लिए बैठने के लिए बनाया है तालाब पाली पे स्पॉट है, मगर अभी इधर लॉक लगा के रखा इफ यू कैन सी इट लॉक इज देयर। परिक्रमा करके आए उधर थे हम लोग उधर आपने टाइम लैप्स देखा होगा हम लोग उधर थे इधर से इधर आ गए ना परिक्रमा करके अभी फिर से परिक्रमा करके जाना है। एंड दिस इज सेंट जॉन बैप्टिस्ट हाई स्कूल। इधर बहुत फ्रेंड्स है हमारे कॉलेज में इसी कॉलेज में। एंड हियर व्हाट आई फाउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिक लो इन्वेस्ट करो अच्छी है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नेक्सॉन। अभी अभी होंडा टाटा ने लॉन्च की है टाटा नेक्सॉन तो इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च की है वो। एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू सेव अवर कंट्री सेव अवर होल गोला जो गोला होता है सेव अवर अर्थ धरती माँ तो इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करो पोल्यूशन कम होगा मेंटेनेंस कम है एक बार ही मेंटेनेंस लगता है वो लेते वक्त से और कुछ नहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एंगल बराबर वाइब है यार ये भी वाइब है। ऑल दो गर्मी बहुत है बारिश नहीं सुबह से कल बहुत बारिश थी आज बारिश नहीं सुबह से मगर गर्मी बहुत हो रही है ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। इधर आधा एक घंटा हो गया अभी अभी आवाज़ है इधर आधा एक घंटा हो गया अभी घर जाना है 6 बजे बासरी का क्लास है वो भी अटेंड कर रहे हैं आज वेनसडे इसके लिए और ब्लॉग भी डालना है। अगर आपको पता नहीं है तो हमारा ब्लॉग आता है एक संडे को और एक वेनसडे को तो होप यू हैव एंजॉयड इट। जाते वक्त तो बस में मिली लेकिन जाते वक्त मिल गए वो भी इलेक्ट्रिक बस सेव एनर्जी इलेक्ट्रिक जीरो एमिशन। आ गए थे थोड़ी देर पहले फिर फ्रेश हो गए और अभी क्लास अटेंड कर रहे प्योर क्लास के अभी वही प्रैक्टिस चालू है। चलो मैं करता हूँ बाद में बात करता हूँ आपसे। खाना वगैरह खा चुके हैं बस क्लास भी हो गया तो अपनी रानी को लेकर खरीद तो जाते हैं काम है इसके लिए नीचे उतरते नजर से नीचे नहीं उतरते और धन्नो रानी हियर इट इज लाइक तो बिल्कुल नहीं है। चलो सो हियर वी आर एट अवर शॉप इफ यू वॉन्ट टू बाय शूज एनी थिंग अबाउट फुटवेयर सो यू कैन कम एंड विजिट एट विटावा। शॉप पे मटन लेने आए थे मटन तो ले लिया उसके लेके कैसे जाए यार चलो करते कुछ तो जुगाड़। यूजुअली कोट्स तो ट्रक के पीछे होते हैं लेकिन मैंने आज एक बाइक के पीछे कोट देखा है देखो लव इज पॉइजन सच में पॉइजन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मटन लेके घर पे आ गए पकाने को डाल दिया है और अभी इधर व्लॉग करने को बैठा हूँ पंखा भी बंद है सामने से मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो रूह को सुकून मिल रहा है और वो ठंडी हवा इस खिड़की में से आ रही। तो हमारी बात रह गई थी कि बस में जाते वक्त बस में क्यों नहीं गया मतलब रिक्शा क्यों ले ली। तो रही बात कोविड की सिचुएशन की वजह से थोड़ा बस में जितने लोग अलाउड है जितने सीट्स होते उतने ही लोग अलाउड है ट्रैवल करने के लिए सो बस फुल थी बस चली गई और
मेन मतलब यहाँ पर हमारे रूट पे, यहाँ से तो टाउन के रूट पे वो मोस्टली इलेक्ट्रिक की बस चलती है, तो वो फ़ायदा है। और इलेक्ट्रिक के फ्यूचर मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा बाद में। और रही बात रिक्शा की, तो रिक्शा कैसे गैस पे चलती है, वो भी सीएनजी पे चलती है, वो भी इतना हार्म नहीं करती, मगर इलेक्ट्रिक होती है विदाउट पोल्यूशन एंड विदाउट एनी कंसेप्ट्स। सो इट्स क्लियर इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। लाइफ में कुछ ले ना पाए या ले वो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़रूर लूँगा मैं, या मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ज़रूर लूँगा, एक ड्रीम है मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का। सो एंडिंग ऑन दैट नोट, अगर आपको अच्छा ये वाला आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट डाउन योर थॉट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अडियोस अमिगोस, बाय बाय।